आज हम फिर एक साथ हैं और आज हम सीखेंगे कि किसी भी कनेक्टर को कैसे, यानी कि चार्जिंग कनेक्टर को कैसे निकाला जाता है और फिर उसे बोर्ड पे कैसे लगाया जाता है। ये जितनी भी रिपेयरिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ सब एक इन्फो चैनल के थ्रू बता रहा हूँ, जहाँ पर चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी में। सो गाइस आते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी चार्जिंग कनेक्टर को अगर बोर्ड से असेंबल करना हो या फिर बोर्ड से डिसेंबल करना हो तो उसे कैसे किया जाता है। सो कम लेट्स एंड डू इट। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हो, हमारे पास एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का बोर्ड है जिसका चार्जिंग जैक हमें चेंज करना है। इस मोबाइल फ़ोन के बोर्ड में ये प्रॉब्लम है कि इसका चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कि चार्जर भी मोबाइल हमारा चार्ज नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, इसके जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे हमने कनेक्टर भी रखा हुआ है, इन तीनों में से जो भी कनेक्टर इसमें लगता है उसको लगाएंगे और फिर दोबारा अपने मोबाइल का जो चार्ज न होने वाली प्रॉब्लम है उसको हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड सी हाउ कैन आई चेंज। जी देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है कि ये पेस्ट लेना है। पेस्ट को लेकर के और जितने भी प्रिंट्स हैं इसके, ठीक है, उसके चारों साइड पेस्ट को हमें लगा देना है इस तरीके से। बहुत ही आराम से पेस्ट ज़्यादा फैले ना, ये भी ध्यान रखिएगा। लगा दिया हमने, ऊपर साइड पे भी लगा देना है और थोड़ा सा इसके नीचे साइड में भी हमें पेस्ट को लगा देना है। सावधानी ये भी बरतनी है कि अगर बाय द वे ये जो चार्जिंग जैक है हमारा, उस चार्जिंग कनेक्टर के नीचे अगर कोई भी प्लास्टिक का कोई भी कवर अवर लगा हुआ है, जैसे कि हमारा कभी कभी माइक लगा होता है या फिर कभी जैसे इस स्मार्टफोन में होम बटन लगा हुआ था तो मैंने उसका प्लास्टिक निकाला है, उसी तरीके से यहाँ पे और कुछ भी अगर लगा हुआ है तो उसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग अपने चाइना जो सिंपल फ़ोन होते हैं उसमें देखते हैं की पैड का जो है पत्ता लगा होता है, उसको भी हटा लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसे ब्लोअर मशीन से डिसेंबल करने का काम करेंगे। ब्लोअर मशीन में फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हो, तीन तरह का नज़ल आता है। एक ऐसा नज़ल आता है और एक इससे पतला नज़ल आता है और एक बहुत ही मतलब न बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, यानी मीडियम साइज़ का नज़ल आता है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी चार्जिंग कनेक्टर को असेंबल या डिसेंबल करना है तो ऐसे मोटे नज़ल का इस्तेमाल आप करिएगा। इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से हीट मिलती है चार्जिंग कनेक्टर के नीचे और जिससे कि चार्जिंग कनेक्टर हमारा आसानी से डिसेंबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है। ब्लोअर मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले हमें हीट को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है और अपने एयर को 3 पॉइंट पर रखना है। इतने पर रख करके हम किसी भी कनेक्टर को आसानी से असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करिए कि उस हिस्से से हमें हीट देनी होती है जहाँ पे कि नीचे से आराम से हम उसको निकाल सकते हैं। नीचे से हमने पकड़ के रखा हुआ है और हीट दे रहे हैं। हीट देते समय ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बोर्ड और ये ब्लोअर की जो नज़ल होती है उसके बीच में कम से कम 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। कुछ देर तक नीचे से हीट देंगे और जब हमारा ये चार्जिंग कनेक्टर का एरिया ये आराम से डिसोल्ड होगा तो ये चार्जिंग कनेक्टर आराम से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी जो रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है वो एके इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। अगर आप इच्छुक हैं तो नीचे जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉल अवश्य करें। देखिए आप, हमारा ये चार्जिंग कनेक्टर निकल गया है आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ बताने का मकसद यही है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चार्जिंग कनेक्टर जब हीट दे करके नीचे से निकालते रहते हैं उस समय क्या होता है कि यहाँ पे जो आप प्रिंट देख रहे हो, ठीक है, ये प्रिंट कभी कभी क्या होता है कि हीट देते समय ये प्रिंट उखड़ जाती है, यानी कि ये ट्रैक्स जो होते हैं ये कट जाते हैं। अभी क्या है कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव की सप्लाई तो है ही, साथ ही साथ इसमें सॉफ्टवेयर डेटा पॉजिटिव और सॉफ्टवेयर के लिए डेटा निगेटिव की जो ट्रैक जाती है वो भी इसमें होती है और साथ साथ आईडी की पिन भी होती है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए भी, और जैसे हम लोग अपने फ़ोन में कोई भी OTG केबल लगाते हैं या फिर फ़ोन को सॉफ्टवेयर के लिए तो कनेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ डेटा ट्रांसफरिंग के लिए हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको, ये सब चीज़ें काम करते हैं। तो अगर वो सब ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है तो ये सब काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने आयरन से एक बारी साफ़ कर देंगे इनके प्रिंट्स वगैरह को, ताकि अगर कहीं ज़्यादा आयरन वगैरह लगा हो तो हम उसे निकाल सकें।
तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि हम ये डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, जो कि ये देखिए अब ये नया वाला जो चार्जिंग कनेक्टर है हमारा, ठीक है, इस चार्जिंग कनेक्टर को जो हमें यहाँ पे लगाना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे चार पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि बोर्ड में अंदर की तरफ जाएंगे। अभी क्या होता है कि जो पुराना वाला कनेक्टर जो हमने निकाला है, उस पुराने वाले कनेक्टर में क्या था कि वो चार जो इसके लगे हुए थे प्रिंट पिंस, वो अंदर की तरफ बोर्ड में लगे हुए थे। तो अभी क्या है, उन सभी को हम अपने डिसोल्डर पंप की हेल्प से साफ कर लेते हैं। डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या है कि ये चारों पिन इसके साफ हो चुके हैं। अभी हम अपने कनेक्ट ये जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको रख देंगे। रखने के बाद इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम एक बारी आयरन से सोल्ड कर लेंगे। ये साइड से भी हमने सोल्ड कर लिया। चारों साइड से दोस्तों अच्छे से इसमें जो है सोल्डर लगा करके इसे लॉक कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब चार्जर हम लोग लगाते हैं तो चार्जर लगाते समय कभी अगर झटके से आपने मोबाइल को निकाला चार्जर से तो इसकी प्रिंट्स बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चार्जर है वो लग गया। ठीक है, आप देख सकते हो एकदम इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है वो सही से लगा है कि नहीं, तो उसके लिए हम मल्टीमीटर की हेल्प लेते हैं। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करते हैं और अपने रेड प्रॉब को रख देते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड पे रखने के बाद हम इसके सभी प्रॉब चेक कर लेते हैं। देखिए एक हिस्सा इसका बीप दे रहा है, एक हिस्सा इसका वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव ओके है और बाकी के जितने पिन्स हैं उन सब पे भी वैल्यू आ रही है बकायदे। तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर क्या है कि अच्छी तरीके से लग गया है। दोस्तों, ये कुछ इजी स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से किसी भी मोबाइल फोन बोर्ड, चाहे वो स्मार्टफोन का हो या बेसिक फोन का हो, आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको रिपेयरिंग बताई, ये एके इन्फो चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताई। एके इन्फो इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारा, जहाँ पर कि एलईडी मोबाइल और लैपटॉप की चिप लेवल तक की रिपेयरिंग आप लोग को बताई जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब होने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो हमारी बने तो उसका नोटिफिकेशन यानी उसकी अपडेट आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।